कलर्स टीवी के नए शो भेड़िया को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। करण और कश्मीर के नाम पर तो मोहर पहले ही लग चुकी है कि वो शो के लीड एक्टर बनेंगे। वही अब शो के लीड एक्ट्रेस को भी फाइनल किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस रीम शेख शो की हीरोइन बनेंगी। वेल, एक तरफ जहां रीम का नाम लीड रोल के लिए फाइनल हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये नया शो नागिन 6 के लिए खतरा बनता नजर आ रहा है। अब ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी है कि नागिन 6 को जनवरी तक के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है, जिसके बाद ऐसी खबरें भी सामने आई है कि शो की रेटिंग बढ़ने पर मेकर्स इसे फरवरी तक भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ताजा खबरें ये सामने आई है कि करण कुंद्रा का नया शो भेड़िया नागिन 6 को ही रिप्लेस करेगा। जी हाँ, खबरें हैं कि भेड़िया शो जनवरी महीने में ही फ्लोर पर आएगा और नागिन 6 की जगह लेगा, यानी कि नागिन 6 का अंत जनवरी में होना तय ही समझिए। बताया जा रहा है कि भेड़िया शो की शूटिंग भी जल्द शुरू होगी। जगदा में इसके पहले प्रोमो को देखने की एक्साइटमेंट भी बनी हुई है। हालांकि नागिन 6 के लिए नया शो जिस तरह से खतरा बनकर सामने आ रहा है, उससे नागिन के फैंस निराश भी जरूर होंगे। वेल, एक तरफ जहां बीएफ करण का नया शो आएगा, तो वहीं गर्लफ्रेंड तेजस्वी का शो बंद होगा। वेल, ये नया शो भी सुपरनेचुरल शो है। ऐसे में लोग ये भी देखने के लिए एक्साइटेड है कि आखिर करण का नया शो नागिन पर किस तरह से भारी पड़ने वाला है, कैसे वीएफएक्स होंगे, कहानी होगी, लीड स्टार्स का लुक होगा और परफॉर्मेंस कैसी होगी, वगैरह वगैरह। साफ है कि नए साल के मौके पर भेड़िया सस्पेंस से भरी कहानी के साथ सभी को एंटरटेन करने आने वाला है, लेकिन कब तक ये भी देखने वाली बात रहेगी। वेल, आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।